हाय दादी। हाय बेटा। क्यों दादी, 70 साल की जिंदगी दिखाई दे रही है ना? दिखाई दे रही है, जानता है इन सबको देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम्हारा क्या है, तुमने जिंदगी अच्छी तरह बिता दी। मेरी जिंदगी मुझे भी अच्छी तरह बितानी है। मतलब बताता हूँ। माँ पापा ससुर जी सासू माँ सब सुनिए। श्री जरा यहाँ आना। आप में से कईयों ने मैरिड लाइफ देख ली है, हम अब देखने वाले हैं। सो शादी के बारे में, शादी के बाद होने वाले चेंजेस के बारे में हम आप सबसे सुनना चाहते हैं। अभी वो सब किस लिए यार? जरूरी है चाचू, आजकल कई लोग शादियों में जाते हैं, वहाँ के सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन घर आने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता। शादी में गए ऐसा लगता ही नहीं है। बचपन में दादी माँ ने बताया था, शादी का मतलब त्योहार है, और अगर ऐसी शादी हो तो जिंदगी भर याद रहती है। मैं अपने कई शादीशुदा दोस्तों और कलीग्स को देख रहा हूँ, कोई पत्नी से डरता है, किसी को पति पर गुस्सा है, ईगो और छोटी छोटी बातों पर बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। इसीलिए आपकी यादें, आपके एक्सपीरियंसेस हमें बताएंगे कि शादी के बाद खुश रहने का राज क्या है। दादी माँ आप शुरू कीजिए। अरे ऐसे अचानक पूछेगा तो कैसे? पूछ लिया ना, स्टार्ट कीजिए। तेरे दादाजी कहा करते थे, हमारे पैदा होने के बाद जिस तरह हम माँ बाप को देखा करते हैं, बच्चों के पैदा होने के बाद उसी तरह पत्नी को भी देखना चाहिए। अगर ये बात याद रखोगी तो शादी अच्छी रहेगी। इसे भी ऐसे ही देखना बेटा। नेक्स्ट। मामा जी। हाँ। अब आप कहिए ना। मैं? ठीक है बेटी, वो टैप दो। पति पत्नी के बीच का प्यार डब्ल्यू जैसा होता है, नई नई शादी के बाद उनके बीच का प्यार पीक्स पर रहता है, बाद में बच्चों की वजह से करियर में सेटल होने के प्रोसेस में प्यार घटता जाता है, दोबारा जब बच्चे बड़े होकर अपने काम करते हुए लाइफ में वो सेटल हो जाते हैं तब उनके बीच में प्यार बढ़ता है, वहां से बच्चों की शादी उनकी जिंदगी सेटल करने तक प्यार थोड़ा घटता है, एक बार जब जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के प्रति उनका प्यार फिर से बढ़ने लगता है और दोबारा पीक्स पर आ जाता है। मतलब पति पत्नी का प्यार पीक से शुरू होकर पीक में एंड होता है, बीच में आने वाले उतार चढ़ाव को छोड़कर एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हुए चलें तो उनकी जिंदगी खुशहाल होती है। हमारी तरह। कैसा लग रहा हूँ? फूफा जी अब आपकी बारी, बताइए। पत्नी जैसा कहे करते जाओ, लाइफ अच्छी रहेगी। हमारी अर्धांगिनी जो कहती है वैसा ही करता हूँ, इसलिए झगड़े नहीं होते। आपकी बातें भी मैं मानती हूँ ना, इसलिए हमारे भी झगड़े नहीं होते। ससुर जी आप बताइए ना। मैं हाँ बोलिए ना। मैं बोलती हूँ। ये कहेंगी। ओके बताइए। हर लड़की बचपन से लेकर एक उम्र तक अपनी सारी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती है, बाद में भाइयों के साथ, बहनों के साथ, और उसके बाद फ्रेंड्स के साथ, फिर कोलीग्स के साथ। हर एक स्टेज पर कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी लेता है, पर इन सबकी जिम्मेदारी एक साथ लेने वाला सिर्फ पति होता है। हम औरतों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं वासु, घंटों मेहनत करके खाना बनाने के बाद पति बस एक बार कह दे कि ये खाना अच्छा है, वही हमारे लिए काफी है। जब श्री पैदा हुई थी, तुम्हारे ससुर जी ने उसे अपनी गोद में उठाया था और वो बहुत खुश हुए। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने सारे दर्द भूल गई। जानते हो, पति साथ चलकर कुछ खरीदवा दे तो पत्नियों को कितनी खुशी होती है। जब इन्होंने उस दिन दुकान में आकर मेरे लिए एक साड़ी सिलेक्ट की तो मैं बहुत खुश हुई थी। इतने सालों के हमारे रिश्ते में वो दूसरी बार था जब उन्होंने मेरे साथ रहकर मेरे लिए एक साड़ी खरीदी थी, पहली बार तब जब नई शादी हुई थी। कहते हैं कि औरतें कुछ छिपा नहीं सकती, लेकिन
हम बहुत कुछ छुपाती हैं। बस अपने पति के प्यार के सिवाय। बाय। श्री बहुत खुशकिस्मत है कि वो तुम्हारी फैमिली में जा रही है।